बस एक बार इन लोगों का साथ मिल जाए और इनके साथ मिलके ना उस मनीष को हरा दूं। तुझे क्या लगा था तू मेरे पीछे षड्यंत्र रचेगा और मुझे पता भी ना चलेगी? कुछ आता जाता भी है या ऐसे ही कॉलेज का सूरमा बना घूमता है? कैसे है नेताजी, कैसी चल रही है आपकी कैंपेनिंग? मनीष मेरे भाई, क्या हाल है? तेरे से कभी पहले नहीं फटी मेरी, तो अब क्या ही फटेगी? और तुम लोग मेरे सामने ये फटुआ वाली बातें मत क्या करो। मुझे ऐसा लगता कि आपकी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई है। अब तुम्हारे दो दुश्मन हैं। इस बार इलेक्शंस में मैं खड़ी होंगी। हैं? कीर्ति इलेक्शन में खड़ी हो रही है? अब ये फोन क्यों ना उठा रहा? और तुझे किसने कह दी कि रघु इलेक्शन लड़ रहा है? वो तो हमें सपोर्ट कर रहा था ना, मैं खुद उसके भरोसे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर वो हमें सपोर्ट ना करेगा तो मेरा तो वैसे ही पत्ता कट जाएगा। खबर बिल्कुल पक्की है जतिन भाई, मैं खुद फाइनल लिस्ट में नाम देख के आ रहा हूँ और कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा आपको। अबे यार मेरी किस्मत ही खराब है, जो सारा करा धारा ना उस कीर्ति का है। खुद का तो कुछ होना जाना ना है, मुझे और ना जीतन देगी गधी कहीं की। एक बार इस रघु तक बात हो जावे तो तसल्ली पड़ेगी। यो फोन उठावे जभी तो। अबे यार यो पता ना कौन से बिल में जाकर छुपगा, अब की इलेक्शन जीत के बाहर निकलेगा। तू एक काम कर, हॉस्टल जाकर देख, केवेरा वहां मिल जावे। मैं एक बार कैंटीन में जाकर देखता हूँ। ठीक है भाई। सभी लोगों का मुझे इलेक्शन में भारी मात्रा में वोट देके विजय प्राप्त करवाने के लिए। आप सभी लोगों की वजह से ये हो पाया है। अगर आप लोग ना होते तो मैं ये इलेक्शन नहीं जीत पाती। धन्यवाद। बहन तो थोड़ी सी पागल वागल हो गई क्या? ये जंगल में क्या कर रही तू यहाँ पे? क्या है भाई, प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि ब्यूटी कॉम्पिटिशन है कि ऐसी जीत जाएगी, कॉलेज का इलेक्शन है ये, कोई कैटवॉक नहीं है। स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा, उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके कहीं 1-2% तेरे को वोट मिले। अरे वोट्स का क्या है यार, वोट्स तो कैसे भी मिल जाएंगे। एक तो मैं अकेली लड़की खड़ी हूँ इलेक्शंस में, लड़कियों की दिक्कत समझूंगी ये सोच के लड़कियां वोट दे देंगी, और लड़के लड़की देख के वोट दे देंगे। इससे ज्यादा दिमाग होता ही कहां है लड़कों के पास। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अगर तेरे को अपनी बेइज्जती करवानी ना तो ही अपना नाम दियो, वरना मैं कह रही हूँ अभी भी टाइम है, अपना नाम वापस ले ले। यार अब ऐसे मत बोल, कोई है भी नहीं हेल्प करने वाला। एक मनीष अच्छा लड़का था, उस सड़ेले जतिन के चक्कर में मैंने उससे भी बिगाड़ ली। तो मनीष की टेंशन मत ले, मनीष से तो मैं बात करवा दूंगी। करवा दूंगी क्या मतलब होता है, अभी करवाना फिर? वैसे भी मैं कुछ दिन से सोच ही रही थी कि एक बार मनीष से मिल लूं। अभी कैसे करवाऊं, मेरी पटियाले से लड़ाई हो गई है। लड़ाई हो गई है क्यों, कैसे? उस पागल ने मेरे को झापड़ मार दिया था, उस गधे को तो रोमांस में समझ में नहीं आता है। रोमांस तो बहुत दूर की बात है, उसे मजाक तक नहीं समझ आता। अजीब सा तो पता नहीं प्राणी है, तुझे कैसे पसंद आ गया? हाँ अजीब सा तो है, बट एट द सेम टाइम क्यूट भी तो है ना। पर तू टेंशन मत ले, मैं तेरी मनीष से बात जरूर करवा दूंगी। देख मुझे नहीं पता, तू कैसे भी मेरी मनीष से बात करवा, और उसके लिए अगर तुझे पटियाला से सॉरी भी बोलना पड़े ना तो प्लीज बोल दियो। एक मिनट, पटियाला का ही कॉल है, मैं काम करते से बात करके आती हूँ। सॉरी यार शांति, मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक जो कुछ भी तुझे बुरा भला बोला उन सब चीजों को भूल जा। मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे इस बात का एहसास इस बढ़ती हुई ठंड से हुआ। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा प्यार भी तेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है। आज तक जो कुछ भी आना उन बातों को भूल चुक समझ के माफ कर दे। अब तू एक काम कर, शाम को ना फ्लैट पे आ जा, तेरे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है वो मैं तुझे मिलके बताऊंगा। चल ठीक है, मैं फोन काट रहा हूँ। भाई यार इन लड़कियों से मिलने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है, अब शाम को इसके लिए एक चिप्स का पैकेट लेके जाना पड़ेगा सरप्राइज के तौर पे। तू भी लड़कियों से मिलने के लिए यही ट्रिक अपनाता है क्या? फालतू टाइम नहीं ना मेरे पास तेरी तरह, जो मैं लड़कियों के चक्कर में लगा रहा हूँ, इलेक्शन भी तो जीतना है। हाँ यार सही कह रहा है, इलेक्शन में खर्चा भी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अबे खर्चे की दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा बिनोमो ऐप से। बिनोमो? हाँ भाई, यहाँ पे एसेट सिलेक्ट करके ये प्रेडिक्ट करना होता है कि इसका ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। डेली थोड़ा सा टाइम दे दो, एक्स्ट्रा खर्चे यहीं से निकल जाएंगे। बहुत दिमाग लगाना पड़ता होगा इसमें तो। नहीं नहीं बहुत सिंपल है, एक बारी में समझ जाएगा तू।
मुझे यूज करके दिखाना है एक बार इसे। ये देख, ये रही बिनोमो ऐप। मैंने ये एसेट चूज किया और अपनी अर्निंग में से ये अमाउंट लगा दिया। मेरे हिसाब से ये ग्राफ नीचे जाएगा। ये देख जाएगा जाएगा, रुक, ये देख गया। अरे यार ये तो बहुत सही ऐप है, तेन तो बैठे बैठे पैसा अर्न कर लिया। और अब ये देख, एक मिनट में ये अमाउंट मैं विड्रॉ भी कर लूंगा। डन यार, इसे तो मैं भी डाउनलोड करता हूँ अभी। मेरा प्रोमो कोड हाफ इंजीनियर यूज करना मत भूलियो, तेरे को वेलकम बोनस भी मिलेगा। और इस पे 5 सेकंड और P2P ट्रेड ट्राई कर, बहुत इजी ऐप है, तेरे को आराम से समझ आ जाएगी। डिपॉजिट बोनस मिलेंगे वो अलग, कुछ समझ नहीं आए तो इनका 24/7 सपोर्ट तो है, और वरना मैं तो हूँ ही। हाँ भाई, तेरे ही प्रोमो कोड से डाउनलोड करूंगा। चल घर चल के डाउनलोड कर लियो, थोड़ी इलेक्शन की भी तैयारी करनी है। मैं आता हूँ यार। अरे तू कहाँ जा रहा है? कुछ छोटा सा काम है, तुम लोग बैठो। अरे ऐसे भी क्या काम है कि तू हम लोगों को छोड़ के जा रहा है? अपने दोस्तों के लिए इतना टाइम भी नहीं है, थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद हम सारे साथ ही चलते हैं ना। जरूरी काम है यार, मैं निपटा के वापस आता हूँ। अरे बैठ जा यार, मुझे पता है तू यहाँ से क्यों गलती मार रहा है, तुझे कोई काम वाम नहीं है, आ जा बैठ जा। अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम लोग बैठ जाओ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ तो यार फिर बैठ जाना, तू तो लड़कियों की तरह शर्मा रहा है। लड़कियां तो शर्मा भी नहीं रही, देखो कैसे दबा के खाने लग रही है। बेबी कई जन्मों से भूखी थी क्या? तुम तो चुप करो। अब मनीष, कीर्ति को ना तुमसे कुछ बात करनी थी, वो इसीलिए यहाँ पे आई है। हाँ बोलना, क्या हुआ? मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी थी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आ जा। बेबी ये दोनों तो गए बात करने, अब हम चले फ्लैट पे। पर मैं खा तो लूं। हाँ खा ले, भूखी मत रह जियो। ले मेरा भी खा ले, ले। दे दे। यार मनीष सच बताऊं तो मुझे इन इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो मैंने उस दिन गर्मा गर्मी में बोल दिया, उस जतिन पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है, मुझे ऐसा लगा अब मुझे बस इसकी ऐसी तैसी करनी है। तो फिर तू क्या चाहती है, इलेक्शन में खड़ी हुई है तो लड़। अब नहीं यार ये सब मेरे बस की बात नहीं है, और मुझे पढ़ना ही नहीं इन झंझट में। ना तो मेरी कॉलेज के स्टूडेंट से बनती और ना ही मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊंगी, तो इलेक्शंस में खड़े होने का क्या फायदा? और मेरे खड़े होने पे सिर्फ 10-15 वोट मिले तो बेइज्जती अलग से हो जाएगी, तो मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीजों में। देख अगर मैं खुद इस रेस में नहीं होता तो मेरा पूरा सपोर्ट तुझे ही होता, लेकिन तुझे भी पता है ये इलेक्शंस मेरे लिए कितने जरूरी हैं, और मुझे तो अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स में ही बनाना है। मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारे सामने नहीं तुम्हारे साथ में खड़ा होना चाहती हूँ। बस एक बार अपनी आंखों से उनको हारते हुए देख लूं, वो भी तुमसे, इससे ज्यादा खुशी की बात मिल ले और क्या होगी। और वैसे भी उन्हें स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ फेम चाहिए। अच्छे से जानता हूँ, उस रघु को बस मुझे हराना है, और वो जतिन उसे तो पता ही नहीं है वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है। रात को शायद कोई राजनीति पे मूवी देख ली होगी, सुबह उठ के उसके इलेक्शन के ड्रामे शुरू हो गए। बस तो फिर अब हम दोनों मिलके उनको उनकी औकात दिखा देंगे। मैं आ रहा हूं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। मिश्रा तू ठीक तो है, तेरी सांसें तो चल रही है ना? जिंदा है। हाथ कैसे लगाए तूने उसके? चाहता क्या है तू? तुझे इलेक्शन जीतने हैं या फिर लिस्ट में से नाम कटवाना है? कोलर छोड़ मेरा, ये काम गुंडों का है, तेरे जैसे अच्छे नेताओं का ना। सुअर की तरह झुंड बना के तुम लोग किसी को मार सकते हो, अगर तू अकेला आता ना तो तेरे लिए तो मिश्रा ही काफी था। तू मार लेता इसे अकेले अकेले में? यार मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, इस कॉलेज में कभी भी किसी को अपना हाथ साफ करना होता है वो तुझे ही क्यों ढूंढता है? अबे साले बकवास मत कर, पहले उठा तो ले, बहुत मारा साड़ों ने यार। असली नारद तो यही है, इसी ने तो भड़काया था कीर्ति को मेरे खिलाफ। सही रहा इसके 5-7 लात लग गई, आगे तो किसी के लफड़े में टांग ना अड़ाएगा। बहुत उड़ रहा था, खुद को हीरो समझने लगा था, सोच रहा था मनीष बनेगा प्रेसिडेंट और ये प्रेसिडेंट का खास, लुल्लू बन गया ये, अब हॉस्पिटल में बैठ कर रिजल्ट देखेगा इलेक्शन के। छोड़ यार अब इनका क्या रोना पीटना देखना, लगाने दे एक दूसरे को मरहम, हम चल के एक एक बियर खोलते हैं, इलेक्शन की टेंशन ये लेंगे हम, कोई
हम तो बंदूक की नोक पे वोट लेंगे और फिर भी वोट कम पड़ गई तो दंगे होंगे दंगे। चल कंधे पे हाथ मत रख यार, अब भी दर्द हो रहा है। तुझे पता तो है इन लोगों ने कितना मारा है, और जितना इन लोगों ने मुझे मारा था ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने पैरों पर भी खड़ा हो पाऊंगा। वो तो कहीं ना कहीं बचपन का खाया हुआ दूध घी काम आ गया। अगर भाई साहब मेरी जगह कोई और होता ना तो भगवान को ही प्यारा हो जाता। तू चिंता मत कर दोस्त, तेरे लगी हुई एक एक लात का बदला 50-50 लात और मुक्कों से लेंगे। पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इस छचुंदर को पकड़ के हमें क्या मिल जाएगा, हम मेन पार्टी पे क्यों अटैक नहीं कर रहे? भाई यही तो है जतिन का मेन मास्टरमाइंड। आजकल जतिन को यही ज्ञान देता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। देख भाई, पता ही नहीं भी है कि ईमानदार से इलेक्शन में तेरे से जीतने वाले है नहीं, इसलिए पक्का ही इलेक्शन में फर्जी वोट डलवाएंगे, और उसका सारा करता धरता यही है। अगर मान ले हम इसे ही उड़ा लेंगे तो जतिन को तो अपने आप ही हाथ पांव कट जाएंगे। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और वैसे भी अगर ये लोग दो नंबर से इलेक्शन जीतने का सोच रहे हैं तो हमने कौन सा ईमानदारी की मूर्त बनने की कसम खा रखी है? इनको इन्हीं के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। और वैसे भी अगर ये लोग ईमानदारी से लड़ते तो हम भी ईमानदारी से लड़ते, पर अब नहीं। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं है, घी तो तुम गर्म करके भी निकाल सकते हो। हमें तो वैसे भी इलेक्शन जीतने से मतलब है। और नहीं तो क्या भाई, वैसे भी इससे मेरी पर्सनल खुंदक है, मेरा तो इसे मारने का मन करता है। इसने हमारे भाई को भी तो मारा है, उसका भी तो बदला लेना हमने। भाई वो आ रहा, उसे पता नहीं चलना चाहिए। भाई वो लाइट देखो आप। अबे ये कहां मर गया, फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ जतिन शर्मा जी, आपकी पूरी टोली यहां बैठी है लेकिन आपका खास टट्टू दिखाई नहीं दे रहा। कल तो बहुत उछल रहा था वो। तुम सारे के सारे एक काम करो, निकल लो यहाँ से और जाकर वोट की भीख मांगो। और तू कीर्ति बड़ा घूम रही है आजकल इसके साथ, मैंने भावना दिए तो वापस इसके पास चली गई। तेरा कोई ईमानधर्म है या ना, बिन पैंदे का लोटा हो रही है दिन पे दिन। जतिन तू तो चुप ही रह, तेरे जैसे लूजर को ना मैंने छोड़ना ही था। पहले तुझे उस रघु के तलवे चाट चाट कर कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना था, और उसके बाद कॉलेज में गुंडागर्दी करनी थी। करनी थी क्या होता है, मैं तो अब भी करूंगा इलेक्शन जीत के। अभी रिजल्ट आया कहाँ है, तू इसके साथ घूम पूरे कॉलेज में। तुम दोनों को तो ऐसी जूतों की माला पहनाऊंगा ना, तुम याद रखोगे। मैं तो तेरे से इतने आराम से बात कर रहा हूँ, तू इतना चिड़चिड़ा क्यों हो रखा है? पीरियड चल रहे हैं तेरे? मेरा दिमाग खराब मत कर, निकल ले यहाँ से, अपने इन टट्टुओं को ले गए। नहीं नहीं, तुझे अकेला छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे, तेरे खास दोस्त की तरह। अरे यार मनीष, काय का खास दोस्त, एंड टाइम पे तो उसे धोखा देके गायब हो गया। अब सारा दिमाग उसी ने तो लगा रखा था कि कैसे चीटिंग से इलेक्शन जीतना है, नहीं तो इस बैल बुद्धि में इतना दिमाग कहाँ। अब पता नहीं क्या करेगा ये बेचारा। अबे ओ हड्डियों के ढांचे, तू जो इतना बोल रहा है ना, पता है ना किसके सामने बोल रहा है? अरे दिवाली में तो अभी बहुत टाइम है, तू इसे अभी से लेके क्यों घूम रहा है? अरे डिश क्यों करके डराता होगा ना, असली रखना तो इसके बस की है नहीं, तो नकली लेके चलता है। वैसे भी इसकी कोई इज्जत तो करता नहीं, सोचता होगा कि इसे देख के कोई इज्जत कर ले इसकी। अबे लाइटर है यार, अब उस बेचारे को बीड़ी सिगरेट का शौक है तो वो क्या करे, देख दूसरी जेब में से अभी गुटखा भी निकालेगा। अरे तुम सबके सब मरने के इरादे से निकले हो क्या घर से आज? असली है असली, बिना लाइसेंस के रखता हूँ तुम जैसों के लिए। अच्छा पूरी गाड़ी में भर के घूम रहा होगा फिर तो, तू 10-15 होंगी तेरे पास। निशाना पक्का है मेरा, एक ही काफी है। गाड़ी में तो अय्याशी का सामान है, वो भी उन खास लोगों के लिए जो मुझे वोट देकर जिताएंगे। सुन तेरे जैसे सुअर ना कीचड़ में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए जहाँ से आया ना वहाँ निकल ले, और ये खिलौने किसी और को दिखाइयो। क्या खीखी कर रही है, एक झाप पटकी है तू, अगर मार दिया ना तो यही निपट जाएगी। अबे चल चल, तेरा काम ना सिर्फ भौंकने का है, तू वही कर, और अपने ये नकली खिलौने ना किसी और को दिखाइयो, हम लोग नहीं डरने वाले इससे। नकली है नकली, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। हाँ ले चलो। क्या हो रहा है सब, कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हो या फिर ये सब करने के लिए? देख लीजिए सर, कैसे कैसे गुंडे मवाली कॉलेज में आ गए हैं और इलेक्शन लड़ने की तैयारी और कर रहे हैं। इनका खुद का कोई फ्यूचर है नहीं, ये हम जैसे स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर बनाएंगे? डर तो मुझे बेटा तुझ पे तो ना, मैं इतना बड़ा केस बनाऊंगा और बड़ी ही टीम बैठाऊंगा तुझ पे। मैं जो बैठाना है वो बैठा, मुझे मत सुना, मैंने अपने बाप की ना सुनी तेरी के सुनूंगा। सर ये आपसे ऐसे बात कर रहा है तो हमारे जैसे मासूम स्टूडेंट्स का क्या हल करता होगा, आप खुद ही सोचिए। सर मैं तो कहता हूँ कम से कम 4-5 साल तक इसे बाहर मत निकलने देना आप,
अबे साले अगर इलेक्शन जीतना था तो अपने दम पे जीतता, ये सब करने की क्या जरूरत थी। बेटा जहाँ काम सुई से हो जाए ना वहाँ तलवार नहीं निकाला करते, तेरा रघु भी तुझे जेल में ही मिलेगा। और वैसे भी तू कौन सा ईमानदार से इलेक्शन लड़ने वाला था, दो नंबर से ही तो वोट डलवाता, अब जाके जेल में लड़ता रही इलेक्शन। सर ले जाइए सर इसे, देख लूंगा मैं तुझे। अबे चल। तो गाइज आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी जैसे को तैसा। अब मेरे को तो इलेक्शन जीतने थे, मैंने जो करा आप तुम ही कमेंट करके बताओ जतिन के साथ सही करा या गलत। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी दबा लेना क्योंकि बहुत जल्द बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज आने वाली है। और जाते जाते बिना वो ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।